अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी का हलवा। सूजी के हलवे के लिए मैंने सूजी एक पाव ले लिया, एक कप चीनी और एक कप घी, जर्दे का रंग आधा चमचा, बादाम हसबे ज़रूरत और इलायची 4-5 दाना ले लिया मैंने, और किशमिश हसबे ज़रूरत और पिस्ता भी हसबे ज़रूरत, और केवड़ा लिया है 1 चम्मच डालूँगी। ये 4 गिलास मैंने पानी लिया है और इसमें मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, और ये आधा चमचा जर्दे का रंग। बस अब इनको अच्छी तरह से मैं पकाऊंगी ताकि चीनी पानी में हल हो जाए। ये देखिए बिल्कुल पानी हल हो गया, अच्छी तरह इसमें हल हो गया। अब मैं इसको दूसरे चूल्हे पे हल्की आंच में चढ़ा दूंगी। अब मैं इसमें देख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं, थोड़ा अगर कम होगा तो मैं निकाल लूँगी। ठीक है, थोड़ा आधा से भी ज़्यादा मैंने निकाल लिया। अब इनमें 4 या 5 इसे पहले हल कर लूँ। अब इसमें मैं 5 दाना इलायची का डालूँ। और ये सूजी मैं डाल के इन सूजी को मैं अच्छी तरह हल्की आंच में भूनूंगी। ठीक है, इनको अच्छी आंच में मैं 5 मिनट तक भूनूंगी, जब तक इसमें खुशबू ना आ जाए। हल्की आंच में भूनिएगा वरना सूजी जल जाएगा। ये देखिए मैंने अच्छी तरह भून लिया है और देखिए घी भी छोड़ दिया। ठीक है, अब इसमें मैं आराम से ये पानी डालूंगी। मैंने खूब अच्छी तरह मैं पकाऊंगी। और जब तक ये गाढ़ा नहीं होता जब तक मैं इसको पकाऊंगी। हो गया गाढ़ा। ठीक है, अब इसमें मैं थोड़ा सा बादाम डाल दूंगी और 1 चम्मच केवड़ा रस। बस अब ये बिल्कुल हो गया है, देखिए बिल्कुल हो गया। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँ। बिल्कुल इसी तरह मैंने बिल्कुल आधा घंटे तक इसको पकाया है। 4 गिलास पानी डाल के मैंने इसको आधे घंटे तक पकाया, तब जाके ये देखिए इसकी ये शक्ल आई। ठीक, सूजी का हलवा बन के तैयार है। अब इसमें मैं गार्निश कर रही हूँ। ठीक है, सूजी का हलवा बन के तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और कमेंट करके बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।